श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदारी मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। अभी श्री अयोध्या राम कुंज के उत्तराधिकारी महंत श्री सत्यनारायण दास जी के माध्यम से हमें एक अत्यंत पीड़ादायक सूचना प्राप्त हुई कि बक्सर के निकट आरा शहर में स्थित बड़ी मठिया के नाम से प्रसिद्ध जगतगुरु श्री मदाद्य रामानंदाचार्य भगवान के द्वादश शिष्यों में भगवान कपिल के अवतार श्री स्वामी योगानंदाचार्य जी का जो प्राचीन मठ है, उस प्राचीन मठ की परंपरा को नष्ट भ्रष्ट करने का, विकृत करने का कुप्रयास कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा है। हमारे हृदय में भगवान के किसी भी स्वरूप के प्रति न्यूनता का भाव नहीं है। रामकृष्ण नारायण के प्रति हमारे चित्त में कोई भेद बुद्धि नहीं है, ना ही रामकृष्ण नारायण के उपासकों के प्रति भेद बुद्धि है और ना ही आचार्यों के प्रति भेद बुद्धि है। श्री भाष्यकार शेषावतार भगवान स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी के प्रति जैसी हमारी श्रद्धा है, वैसी ही अपने संप्रदाय के परमाचार्य भगवत्पाद श्री रामावतार जगतगुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान के चरणों में श्रद्धा है। पर इस सत्य को स्वीकार सभी सुविज्ञ लोगों को करना चाहिए कि विशिष्टाद्वैत संप्रदाय की दो पृथक पृथक परंपराएं हैं। एक श्री सीताराम जी के प्रति अनन्य भाव इष्ट भाव से की गई उपासना श्री रामानंदी उपासना है और दूसरी भगवान लक्ष्मी नारायण के को आराध्य इष्ट उपास्य मान करके और श्री रामानुज संप्रदाय की परंपरा है। जहाँ तक हमारी जानकारी है, श्री रामानंद संप्रदाय के किसी आचार्य ने किसी साधु ने श्री रामानुज संप्रदाय के किसी स्थान की परंपरा को नष्ट भ्रष्ट या विकृत करने का कुप्रयास आज तक नहीं किया। लेकिन अत्यंत पीड़ा की बात है कि पूर्वोत्तर मध्य भारत में श्री रामानंद पीठ के नाम से प्रसिद्ध जयपुर के निकट श्री गलता पीठ, जो भगवान स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी के शिष्य श्री स्वामी अनंतानंदाचार्य जी और उनके शिष्य श्री कृष्णदास पयहरी जी महाराज के द्वारा स्थापित पीठ है, इतिहास इसका साक्षी है। और उस पीठ को भी श्री रामानुज संप्रदाय के कुछ महानुभावों के द्वारा उसकी परंपरा को बदलने का, नष्ट करने का प्रयास किया गया। आज वह विवाद में है। ऐसे अनेक स्थलों पर ऐसा कार्य किया गया है। और अधिक पीड़ा यह बात जानकर हुई कि श्री रामानंदाचार्य भगवान के द्वादश शिष्यों में श्री स्वामी योगानंदाचार्य जी का जो मठ है, बड़ी मठिया के नाम से प्रसिद्ध है, उस मठ को जियर स्वामी श्री लक्ष्मी प्रपन्नाचार्य जी महाराज, जो विहार क्षेत्र बक्सर क्षेत्र के बड़े सुप्रसिद्ध महापुरुष हैं, उनके एक यज्ञ में दासानुदास भी उनके विशेष आग्रह से उपस्थित हुआ। और क्यों न हो, जिन बक्सर वाले त्रिदंडी स्वामी परम पूज्य अनंत श्री संपन्न श्री विश्वक्सेन प्रपन्नाचार्य जी महाराज त्रिदंडी स्वामी जी की पवित्र परंपरा में जियर स्वामी जी हैं, वो भी बड़े तपस्वी हैं, मेरे हृदय की भावना को स्वीकार करते हुए मैं उनको विनम्र प्रार्थना करूंगा कि इस प्रकार से रामानंद संप्रदाय के सुप्रसिद्ध मठ की परंपरा को विकृत करने से आपकी गरिमा महिमा भी प्रभावित हो रही है, आपकी निंदा हो रही है,
आपने अपने शिष्य अयोध्यानाथ को वहाँ का महंत बना दिया है, और बड़ी पीड़ादायक बात यह है कि वहाँ जो पुजारी था उसको बेरहमी से पीटा गया, उसके हाथ पैर तोड़ दिए गए, उसकी माँ को वस्त्रहीन कर दिया गया। तो इस प्रकार से किसी ब्राह्मण का, वैष्णव का इस प्रकार से प्रहार पूर्वक तिरस्कार, उसको प्राणघातक उसके ऊपर हमला, यह ब्रह्म हत्या के जैसा भयंकर पाप है। यद्यपि इसमें श्री जीयर स्वामी जी का प्रत्यक्ष कोई योगदान नहीं है, लेकिन जिसे उन्होंने नियुक्त किया है अयोध्यानाथ, वो सेवक का किया हुआ अपराध स्वामी का ही माना जाता है। इस दृष्टि से पूज्य स्वामी जी के चरणों में मेरी प्रार्थना है कि वे अपने शिष्य को अनुशासित करें, और उनके पास किसी वस्तु का अभाव नहीं है, किसी पवित्र परंपरा के सत संप्रदाय की परंपरा के एक स्थान की परंपरा को नष्ट भ्रष्ट करना उनके लिए शोभनीय नहीं है। हमारे श्री अयोध्या जी में जानकी घाट श्री योगानंदाचार्य जी की पवित्र परंपरा का स्थान है। आज पूरे देश में सैकड़ों हजारों साधु श्री योगानंदाचार्य जी की परंपरा के हैं। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, समय है सांप्रदायिक विद्वेष को समाप्त करके परस्पर प्रेम और सौहार्द का वातावरण बन सकता है, उसे बनाए जाना चाहिए। अन्यथा इसका दुष्परिणाम आगे और बात बढ़ेगी, उधर भी लोग इकट्ठे होंगे, इधर भी लोग इकट्ठे होंगे, उससे सनातन धर्म की ही और वैष्णव धर्म की ही हंसी होगी। तो इस कार्य को न किया जाए, ये मेरी विनम्र प्रार्थना है, और अविलंब उस स्थान को मुक्त करके अत्यंत सौहार्दपूर्वक रामानुज संप्रदाय के महानुभाव पूज्य जीयर स्वामी जी ही विधिवत श्री योगानंदाचार्य जी की परंपरा के जो भी संत हैं, जानकी घाट के, रामकुंज के, अथवा जो भी योग्य हों इस योग्य राम परंपरा के, उस परंपरा से संबंध रखने वाले संत, उनको विधिवत स्थान सुपुर्द करवावें। यही अच्छा है, क्योंकि परस्पर विद्वेष का बढ़ना यह सब प्रकार से हानिप्रद है। और श्री रामानंद संप्रदाय के भी जितने संत महंत द्वाराचार्य, उनके चरणों में भी साष्टांग दंडवत पूर्वक हमारी विनम्र प्रार्थना है कि हम लोग इस प्रकार से हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे तो धीरे धीरे हमारी सारी परंपराएं ही विलुप्त और नष्ट हो जाएंगी। चतुः संप्रदाय का संगठन भी इसलिए था कि हमारी परंपराएं सुरक्षित रहें। चतुः संप्रदाय के सभी जो चारों श्री महंत हैं, उनके चरणों में भी हम साष्टांग प्रणाम पूर्वक यह प्रार्थना करते हैं। तीनों अनि अखाड़ों से हम प्रार्थना करते हैं कि वे इस स्थान को नष्ट होने से बचाएं और इस स्थान की परंपरा को सुरक्षित करें, ऐसी मेरी भावना है। हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से जहाँ तक लोगों में बात जाए, उन सदगृहस्थ भक्तों से भी हमारी प्रार्थना है जो पवित्र श्री रामानंद संप्रदाय की परंपरा से संबंध रखते हैं, उनसे भी प्रार्थना है, और जो मान लो रामानंद संप्रदाय के नहीं हैं पर सिद्धांत को स्वीकार करके किसी की भी परंपरा को नष्ट नहीं होना चाहिए इस सद्विचार का आदर करते हैं, उनको भी इस कार्य में अपना सहयोग अर्पित करना चाहिए, ऐसी मेरी भावना है। बक्सर के महंत श्री राजाराम शरण जी हमारे अपने ही हैं, बक्सर स्थान अपना ही है, वहाँ के श्री पूज्य राजाराम शरण जी को भी इस कार्य में आगे बढ़ कर के और उस स्थान को सुरक्षित करने में भाग लेना चाहिए, ऐसी विनम्र प्रार्थना, और इस विश्वास के साथ कि यह स्थान सुरक्षित हो, उसकी परंपरा सुरक्षित हो और सांप्रदायिक विद्वेष आगे न बढ़े, यह समाप्त हो जाए, ऐसी कामना हम भगवान के चरणों में करते हुए विनम्र प्रार्थना करते हैं। हरिशरण।
श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।